ओ माय गॉड, आपके बाल कितने लंबे हैं, काले हैं, घने हैं, मुलायम हैं। मैं भी आपके बालों के जैसा ही बहुत ही खूबसूरत सिल्की शाइनी बहुत ही अच्छे बाल पाना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे इसका सीक्रेट बता सकते हो, इसकी रेमेडी बता सकते हो? ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत ही मिलते हैं दोस्तों, तो उसी के लिए आज का इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं मेरे बालों की देखभाल के लिए क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों की देखभाल के लिए आपके बालों को अच्छे से कॉम करना है दोस्तों, और रात को सोने के पहले बालों को हमेशा अच्छे से कॉम करके चोटी बना करके ही सोना है, जिससे आपके बाल उलझेंगे नहीं और उसके साथ साथ ही बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मैं रात में इसी तरीके से जो है बालों की चोटी बना करके और पहले कॉम करती हूँ, फिर चोटी बना लेती हूँ, और फिर जैसे कि अगले दिन सुबह जब उठोगे फिर आपको दोबारा से अच्छे से कॉम करके अपने बालों को इस तरीके से सुलझा लेना है। और कॉम को करने का भी तरीका होता है, हमेशा बालों की जड़ों से नहीं सिरों से बाल को कॉम करना शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से करोगे तो आपके बालों का टूटना झड़ना कम होगा और बाल उलझेंगे नहीं और बाल अच्छे भी होंगे, लंबे भी होंगे। तो उसके साथ साथ ही बालों में रेमेडीज़ क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो आज के लिए एक बेस्ट सीरम की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि बेस्ट सीरम रेमेडी बताइए, जिससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों का टूटना झड़ना कम होता है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये रेमेडी लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में गई और मैंने एक बर्तन में डाला है यहाँ पर कम से कम 2 से 2.5 चम्मच के आसपास मेथी दाना। आपको पता है ना कि मेथी दाना कितना फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। बालों को टूटना झड़ना ख़त्म करता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही स्पीड से बूस्ट करता है। उसके साथ साथ अगर आप गंजेपन की शिकायत से परेशान हैं ना दोस्तों, उसको भी ये सही करता है मेथी दाना। मतलब बालों की 80% की समस्या है ना मेथी दाना ख़त्म कर देता है। तो आपको मेथी दाना अपने हेयर केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और अब जो मैं अगली सामग्री आपके सामने लेकर के आऊँगी, यह उससे भी बेस्ट है दोस्तों। इसको हम कहते हैं करी लीव्स, यानी कि मीठी नीम की पत्तियाँ। दोस्तों इसको अक्सर आप डेली रूटीन में 1 से 2 पत्तियाँ डेली रोज़ाना खा सकते हो, बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। और साउथ में बहुत ही ज़्यादा लोग खाने पीने में सेवन करते हैं इसको, और इसके साथ साथ ही रेमेडीज़ में भी हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करी लिप्स क्या करता है, बालों का टूटना झड़ना ख़त्म करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ को बहुत ही स्पीड से बढ़ाता है, बालों की लंबाई और उसके साथ साथ ही बहुत ही मोटा घना करता है। साउथ वाले के लोग बहुत ही ज़्यादा, जो वहाँ के लोग होते हैं बहुत ही, उनके बाल मोटे होते हैं ना, घने होते हैं, तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं राज ये करी लिप्स भी होता है। तो यहाँ पे करी लिप्स को डाल देना है, डाल करके अच्छे से आपको उबालना है। उबालने के लिए यहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए। तो जब तक ये काफ़ी अच्छे से उबल रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चाय छन्नी की मदद से इसको हम छान लेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबाल लें, अच्छे से पानी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी तब तक इसको अच्छे से आपको उबालना है। मेथी दाना और करी लिप्स का ये जो सीरम है ना, इतना बेस्ट सीरम है, आपके हेयर फॉल को एकदम से ज़ीरो करेगा, उसके साथ साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, स्कैल्प को बहुत ही मजबूत करता है। अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की वजह से गंजेपन की शिकायत हो रही है ना, उसको भी ये ख़त्म करता है, बालों में नए बाल उगाना शुरू करता है दोस्तों। इतना बेनिफिशियल है ये सीरम, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस सीरम को आप आराम से 10 से 12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको स्टोर करना। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया यहाँ पे एलोवेरा जेल, तो यहाँ पे मेरे पास जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, मैं यहाँ पे कम से कम 1.5 चम्मच के आसपास उसको मिक्स किया है। आप यहाँ पे जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है उसका भी जेल निकाल के ऐड कर सकते हैं, वैसे दोनों जेल अच्छा होता है पर फ्रेश वाला जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे एक सामग्री और ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल, वो भी बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। अगर नहीं है तो बस इतना ही रहने दे। पानी को बहुत ही अच्छे से ठंडा करने के बाद यहाँ पे आपको बस इस तरीके का स्प्रे बॉटल होता है या फिर एप्लीकेटर वाला बॉटल होता है ना, आप इसमें डाल दीजिए इस तरीके से फैनल की मदद से। तो बहुत ही अच्छे से ये सीरम स्टोर होकर के भी रहेगा लंबे टाइम तक, और इसको लगाना भी आसान होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बॉटल भर करके बेस्ट हेयर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर फॉल को रोकने वाला सीरम, गंजेपन की शिकायत को दूर करने वाला सीरम बन करके रेडी है। अब दोस्तों इसको सबसे पहले आपको एप्लीकेटर, मैंने यहाँ पे स्प्रे की जगह मैंने इस तरीके से एप्लीकेटर लगाया है। आप यहाँ पे स्प्रे वाला जो होता है ना, जिसके अंदर पाइप लगा रहता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो डाल दें। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉटन, कॉटन की मदद से बालों के स्कैल्प में लगाना है। तो बालों के स्कैल्प पे बहुत ही आसानी से आपको अच्छे से लगाना है, एप्लीकेटर से लगाना बहुत ही आसान होता है इस तरीके से। ये क्या होता है, बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छे से लगता है, और फिर आपको क्या है ना,
बहुत ही अच्छा इसके लिए फीलिंग आता है। तो अब ये वाला पानी जो है, ये वाला सीरम जो है, आपको कब लगाना है? अब लगाना है ये दोस्तों शैम्पू के बाद भी आप लगा सकते हैं, शैम्पू के पहले भी लगा सकते हैं, मतलब ये पानी है कभी भी ये लगाने पर सूख जाएगा। तो आपको बाहर जाना हो शॉपिंग पे मार्केट भी, तो आपको बिल्कुल भी ऑयली वाली वाला फीलिंग नहीं आएगा, यानी कि शैम्पू के बाद भी आप इसको लगा सकते हो। लगा करके इसको अच्छे से एक बार मसाज ज़रूर करें ताकि स्कैल्प का अच्छे से मसाज हो, और फिर थोड़ी देर के बाद आप इसको आराम से सूखने के लिए दे दें, मतलब तुरंत ही सूख जाएगा ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑयली वाली फीलिंग देगा। तो लगाइए, और लगा करके आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। रात में आप चाहें तो ऑयलिंग कीजिए, अगले दिन फिर शैम्पू कीजिए। दोस्तों बेस्ट ये जो है हेयर सीरम है, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ सीरम है। बालों का जो है ग्रोथ इतना स्पीड से होगा, बाल बहुत ही खूबसूरत होंगे, बालों का जो टूटना झड़ना एकदम से ख़त्म होगा, बालों की रफ्तार बढ़ने की इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि अरे बहुत ही जल्दी मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, मेरे बाल बहुत ही अच्छे से स्पीड मतलब ग्रोथ हो रहे हैं, स्पीड ग्रोथ जिसको बोल सकते हैं हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ही बहुत ही अच्छी सी रेमेडीज़ मैं बालों पे अप्लाई भी करती रहती हूँ, चाहे ऑयल की हो, चाहे हेयर कंडीशनर की हो, हेयर सीरम, हेयर शैम्पू, सभी के सभी मैं घर के बना करके लगाती हूँ, इसलिए बाल बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हैं। आपके भी होंगे अगर आप ट्राई करोगे ये सभी रेमेडीज़, और आज की ये हेयर सीरम की रेमेडी ट्राई कीजिए। और दोस्तों आपको भी ऐसे बाल पाना है तो आप अपने जो डेली रूटीन है उसको भी सही कीजिए, बालों के लिए ज़रूर अच्छे बाल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने रेमेडी लगाया और फिर बाल को अच्छे से कंघी नहीं किया, ऑयलिंग नहीं किया, तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। करिए, देखिए, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, ट्राई कीजिए। और आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।